नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कार्यक्रम बड़ा ऐतिहासिक है और प्रधानमंत्री जी का स्वदेश दर्शन 2.0 का आज यहाँ से शुभारंभ जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से इसकी शुरुआत कर दी है। और मुझे लगता है कि पर्यटन के क्षेत्र का विकास के दृष्टिकोण से एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करती हूँ कि जनपद चंपावत को इसमें चिन्हित किया गया, जनपद पिछड़ागढ़ को इसमें चिन्हित किया गया। और जनपद चंपावत की प्रभारी मंत्री होने के नाते मेरे लिए भी बड़ा सौभाग्य साली दिन आज का दिन रहा है, जहाँ आज चंपावत के चाय बागान के क्षेत्र को जो है कई मायनों में पर्यटन के दृष्टिकोण से, विकास करने के दृष्टिकोण से 70 करोड़ की धनराशि जो है वो अनुमोदित कर दी गई है। और इस 70 करोड़ की धनराशि से जहाँ पर्यटन के आवागमन के लिए रास्ते, पगडंडे, जंगल का ट्रैक और यहाँ पर गाइड, आवाज़ और यहाँ पर अलग से टिकट काउंटर, यहाँ पर हर ऐसी वो चीज़ बनाई जाएगी जो आने वाले समय में पर्यटकों को आकर्षित करेगी और साथ साथ पर्यटकों को रोकने का भी काम करेगी। मुझे लगता है कि चंपावत की आर्थिकी में भी और उत्तराखंड की आर्थिकी में भी इस पर्यटन के विकास से निश्चित रूप से बहुत बढ़ोतरी होगी। और जो यहाँ महिलाएं काम कर रही हैं, लगभग 80-85% महिलाएं चाय बागान में काम कर रही हैं, मुझे पूरी उम्मीद है उनके भी आर्थिकी में जो है वो अच्छी प्रगति होगी। तो मुझे लगता है कि अपने चंपावत क्षेत्र के पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास के रूप में जो है एक बढ़ता हुआ और एक बड़ा कदम।